कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। ये त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन, सोना, चांदी आदि धातु खरीदने का अधिक महत्व है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना गया है। ये कहावत जो आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। धनतेरस के त्योहार पर बाजारों में रौनकें दिखने लगी हैं। इस दिन को शुभ मानकर लोग नए सामान की खरीदारी करते हैं। बर्तन, सोने चांदी की दुकानों पर काफी भीड़ देखने को भी मिल रही है। वहीं दीपावली के लिए लोगों ने दिए और अन्य जरूरी सामान खरीदना शुरू कर दिया है। त्योहार आ चुके हैं, इसलिए बाजारों में भी रौनकें दिखना शुरू हो गई है। मेरे आगे पीछे आप जहाँ भी अगर नजरें घुमाएंगे तो सिर्फ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि बाजारों में ऐसी भीड़ सिर्फ त्योहारों के समय ही देखने को मिलती है। वो रौनकें सिर्फ त्योहारों के समय ही देखने को मिलती है। जहाँ कोई भी दुकान में खालीपन नहीं होता, हर दुकान में ग्राहक होते हैं। दुकानदार और ग्राहक दोनों के ही चेहरे खिले होते हैं, क्योंकि अब धनतेरस का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें जमकर खरीदारी की जाती है, चाहे वो सोने चांदी की हो, चाहे मिठाइयों की हो, चाहे वो कपड़ों की हो या चूड़ियों की हो। हर तरह की शॉपिंग जो है वो बाजारों में देखी जा सकती है। तो आप जरा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा सा कैमरा घुमाए और दिखाए कि कितनी ज्यादा भीड़ है इस समय बाजारों में, जहाँ महिलाएं होड़ लगाए हुए हैं कि कितनी जल्दी किसको क्या मिल जाए। धनतेरस त्योहार ही ऐसा है, दीपावली हिंदुओं का महापर्व कहा जाता है, जहां साल में एक बार आने वाला ये त्योहार बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आता है। लोग अपनी सारी तिजोरियां खोल देते हैं और इस त्योहार में दिल खोलकर खर्च करते हैं। तो आज हम भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ इस बार त्योहारों पर है, कितना कोरोना का मार है, कितनी लोगों में उत्साह है। तो चलिए मेरे साथ, आपको मिठाई से लेकर, ज्वेलरी से लेकर हर चीज की दुकानें और खरीदारों से बातचीत करें। सनातन धर्म में धनतेरस के त्योहार पर की जाने वाली खरीदारी को शुभ माना गया है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की खरीदारी से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। बर्तन, सोने चांदी की दुकानों पर इस त्योहार को लेकर विशेष तैयारियां हैं। सड़क पर दुकानें सजाई जा चुकी है, खरीदारों की भीड़ जुटने भी लगी है। सोने चांदी की दुकानों पर भी खूब भीड़ दिख रही है। धन धान्य का त्योहार धनतेरस आ चुका है और धनतेरस में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की डिमांड है और खरीदारी होती है तो वो है सोने और चांदी की। तो हम भी आ गए हैं जरा खरीदारी देखने की, किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं खरीदारी करने के लिए और इस बार क्या कुछ रेट है सोने का। लोग आ रहे हैं कि महंगाई भी एक तरीके से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर सोने की बात की जाए तो सोना कुछ हद तक थोड़ा कम भी आया है। तो लोगों के बजट में आ रहा है कि नहीं, और क्या कुछ डिजाइन्स हैं इस बार ज्वेलर्स के पास लोगों को लुभाने के लिए, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कितनी खूबसूरत एक राम दरबार की यहाँ पर शोकेस। अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो ये बेस्ट परफेक्ट गिफ्ट कह सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए हैं, सब पूरा चांदी का जो है ये शोकेस है, जिसमें हनुमान जी, राम, लक्ष्मण और सीता का एक राम दरबार है चांदी पे, जो कि किसी को गिफ्ट करने के लिए इस दिवाली परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है। साथ ही अगर बगल में नजर घुमाएं तो हमारे पास छोटे से लड्डू गोपाल भी है, जो गिफ्ट में हमेशा से ही सबको बहुत ज्यादा पसंद आते रहे हैं। चाहे वो अगर किसी के घर कोई खुशियां आनी हो तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही उनके घर पहुंचाया जाता है। साथ में बगल में गौ माता जो है वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से नक्काशियों के साथ उन्हें बनाया गया है। साथ ही आप देख, ये तो बात हमारी चांदी की हो गई, अब हम थोड़ा सा सोने की तरफ रुख कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत सी चैन के डिजाइन हैं। तो जो लोग चैन देखने आ रहे हैं तो सबसे पहले पूछ लेते हैं किस तरीके की चेन्स की इस बार डिमांड है। सभी हॉलो चैनों में ही डिमांड है। अच्छा। भारी में ही, भारी चैन जी, भारी चैनों में।
तो जैसे कि इन्होंने बताया भारी चेन है, तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो खरीदारी भी कर रहे हैं, तो इस तरह की चेन्स जो है वो काफी डिमांड में है, जो दिखने में काफी वेटेड लगती हैं लेकिन असल में उनका वेट कम होता है। और हर तरह के कस्टमर के लिए यहाँ पर चीजें हैं, चाहे वो हल्की चेनों की बात की जाए चाहे वो भारी। अगर ये लेडीजों की बात की जाए तो इस तरीके की जो चेन्स हैं वो लेडीजों को काफी पसंद आती है, चाहे वो थोड़ी एज्ड महिलाएं हो या फिर बिल्कुल न्यू कमर्स हो, तो उनके लिए इस तरह से काफी सुंदर डिजाइन के साथ चेन आई है। तो धनतेरस में आप भी आइए और सोने चांदी की खरीदारी करिए, लेकिन अगर आपके बजट में हो तो ही, तो यहां पर भी देख सकते हैं। अगर अंगूठियों की बात की जाए तो अंगूठियों के डिजाइंस भी काफी खूबसूरत हैं, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइंस हैं महिलाओं की। ये अंगूठियां हैं, ये डायमंड में है कि ये सोने पे ही है पूरा? ये गोल्ड पे है। गोल्ड पे है, अच्छा। लेकिन जिस तरीके से इसमें वर्क है आप देख सकते हैं, वो एज अ थोड़ा सा डायमंड टच दे रहा है, जो कि आजकल बहुत जो टीनेज लड़कियां होती हैं, स्कूल गोइंग होती हैं या कॉलेज गोइंग होती हैं, उन्हें इस तरह से हल्के छल्ले पर डिजाइन काफी पसंद आती है, बहुत ट्रेंड में भी है। और भारी की बात की जाए तो यहाँ पर भारी बहुत सारी डिजाइन है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो उसमें बहुत सारी नक्काशियां देखी, तो अब गोल्ड में भी इन्होंने इस तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू हुआ है कि लोग गोल्ड की तरफ जो है वो ज्यादा रुख करें। तो यहाँ पर एक और ये देखिए, आजकल आपने सिक्का पहने काफी देखा होगा, ये देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइन, मैं आपको पहन के खुद ही दिखाऊंगी क्योंकि मेरा भी मन काफी आ गया है इस अंगूठी पे। ये देखिए मोर की डिजाइन की ये अंगूठी है, कितना खूबसूरत मोर इस पर बना हुआ है, कितनी खूबसूरती के साथ इसे तैयार किया गया है। और ये रेट तो मुझे नहीं पता, रेट अभी हम पूछते हैं कितने की है। तो सबसे पहले इस बार आपसे ये पूछना चाहूंगी, सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येन्द्रनाथ अवस्थी है जी। इस बार धनतेरस के दिन लोग कितने दुकान में आ रहे हैं, कितनी खरीदारी हो रही है? पिछले वर्ष की अपेक्षा तो आपकी बहुत ठीक जा रही है जी। और हम लोग को आशा भी है कि आपकी अच्छा होना चाहिए। पिछले 2 साल से हम लोग थोड़ा बाजार अस्त व्यस्त रहा, लोग परेशान रहे, तो आपकी बार हम लोग भी आशा करते हैं कि हम लोग का भी व्यापार चले अच्छा। अगर चांदी के रेट की बात की जाए तो चांदी का इस बार क्या रेट है, और चांदी में क्या आपके पास वैरायटी है? चांदी में हमारे पास जो है बर्तन हैं, सिक्के हैं और मूर्तियां हैं, गिफ्ट करने के लिए तमाम चीज़ें आई हैं, और अच्छी सी उनमें सिक्कों का भी कलेक्शन है, नोट हैं, तो बहुत सी चीज़ें आई हैं। और रेट की बात है तो रेट जो है अभी बीच में जब लॉकडाउन खुला उसके बाद तो चांदी का रेट बढ़ गया था, और इस समय फिर भी ठीक है, थोड़ा कम है, 65-66 हज़ार के लगभग चल रहा है। अच्छा, इस समय महिलाएं भी हैं जो काफी फैशनेबल हो गई, तो किस तरह अब वो पुराने जमाने की वो अंगूठियां नहीं मांगती, जिस तरीके से आपने ये अंगूठी दिखाई इस तरह की अंगूठियां मांगती हैं, तो आप लोग कैसे ये बनवाते हैं, क्या डिमांड इस बार क्या देखने को मिल रही है? डिमांड जो है इस समय लाइट वेट ज्वेलरी की ज्यादा चल रही है, और स्टोन वर्क ज्यादा लोग मांगते हैं, लड़कियां मांगती हैं, और सबसे ज्यादा वही लाइट वेट में ही ज्वेलरी मांग रहे हैं कस्टमर। अच्छा, तो जैसे कि बताया भी है जो लाइट वेट ज्वेलरी, क्योंकि नकली ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इतना क्रेज हो गया है, जिसकी वजह से अब ज्वेलर्स की भी ये मुसीबत आन पड़ी है कि किसी भी तरीके से उनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी से बेहतर कुछ बना करके देना होगा। तो इस तरीके की जो डिजाइंस हैं वो इन्होंने प्रिपेयर की हुई है, जिससे लोग आकर्षित हों गोल्ड की तरफ, क्योंकि गोल्ड ही सबसे बेहतर उपाय है। अगर महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद भी गोल्ड है, लेकिन उनको वो डिजाइन नहीं मिल पाती थी, वजह से वो आर्टिफिशियल की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन अब जो है दुकान वालों ने, ज्वेलर्स वालों ने ये कोशिश की है कि हर महिला की पसंद की चीजें वो बना। तो इस धनतेरस के पूरे पैकेज में हमने आपको हर एक चीज दिखाई कि किस तरीके से पूरे मार्केट में धनतेरस पर धूम देखी जा सकती है। पटाखा और मिठाई की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पी रोड बाजार, हटिया बाजार, सीसा मोह पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। हम भी कानपुर की मशहूर मिठाइयों की दुकान पर पहुंचे और जाना कितनी साफ सफाई के साथ बन रही हैं त्योहारों की मिठाइयाँ।
त्योहार की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे त्योहार की कैसी खुशबू। जी हाँ, त्योहार की ऐसी खुशबू कि त्योहार आते ही मिठाइयों का प्रचलन जो है वो तेजी के साथ शुरू हो जाता है। हम सबसे पहले त्योहारों को सोचते हैं तो सोच लेते हैं मिठाइयों को कि अब हमें रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, हमें दूध की बर्फी खाने को मिलेगी। तो चलिए इस बार दिवाली पर क्या कुछ खास है मिठाइयों में, किस तरीके से मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, साथ ही कितनी शुद्धता के साथ, कितने हाइजीन की तरीके से मिठाइयों का निर्माण हो रहा है, यहाँ देखते हैं हम। हालसी रोड की सबसे प्रसिद्ध दुकान भीकाराम स्वीट्स में खड़े हुए हैं, जहाँ पर अंदर जाके देखेंगे इस बार भीकाराम में क्या कुछ स्पेशल है। तो चलिए हम भीकाराम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस बार कितनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ। तो सबसे पहले शुरू होती हैं यहाँ पर दूध की मिठाइयाँ, जो कि बहुत सारी मिठाइयाँ, हालांकि आधी से ज्यादा मिठाइयों के मुझे नाम नहीं पता है, तो अभी नाम भी पूछ लिए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर इन्होंने सेफ्टी के लिहाज से अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए हर मिठाई के ऊपर एक लेबल लगा रखा है, जिसमें इन्होंने लिख रखा है कि जब इनकी मिठाई निर्मित है वो कितने दिन तक चल सकती है, कितने दिन तक खाई जा सकती है। और ये सबसे बड़ी बात है इनकी शुद्धता की, जिसकी प्रामाणिकता ये खुद इस तरीके की चीजें लगा करके दे रहे हैं। और बहुत सारे आप आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पीले पेड़े दिखाई देंगे जो काफी लक्ष्मी जी को पसंद है, तो उन्होंने गणेश लक्ष्मी की पसंद का खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर मिठाइयाँ बनाना शुरू किया हुआ है, क्योंकि दिवाली त्योहार ऐसा है हर कोई जोरदार तरीके से मिठाइयों की खरीदारी करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या कुछ मिठाइयाँ इस बार बनी है। जी इस बार दिवाली स्पेशल क्या है सब कुछ दीपावली में? बेटा हमारे यहाँ तो हर समय लगभग 40 आइटम रेडी रहते ही है, तो हमको कुछ विशेष नहीं करना पड़ता है, बस पैकिंग का लोग महत्व देने लगे तो थोड़ा पैकिंग पे ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। जिस तरीके से ये जो लेबल मैं देख रही हूँ, तो ये आपने किस लिहाज से लगा रखा है? ये हम लोगों को पे FSSI की तरफ से आदेश हुआ है कि आपको ये लिखना है कि आपकी मिठाई कितने दिन तक ठीक रह सकती है। जी। अच्छा, अगर साफ सफाई की बात की जाए तो किस तरीके से आप लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं? जैसे कि कोरोना चल रहा है तो लोग मिठाइयाँ खरीदने से पहले बहुत सारी चीजें आपसे पूछते हैं। नहीं तो जैसे हमारे यहाँ सैनिटाइज करने की व्यवस्था है, स्टाफ हमारा टोटल मास्क लगाएगा, कैप लगाएगा, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, जैसे कि पिछले साल तो कोरोना की काफी मार थी हर चीज के ऊपर, चाहे वो मिठाई हो, बाजार हो, इस बार कोरोना काफी फीका पड़ा है, लेकिन सावधानियां हमें अभी भी बरतनी है, तो किस तरीके से लोग आ रहे हैं मिठाइयां खरीदने के लिए इस बार? नहीं, लोग आ रहे हैं मिठाइयां खरीदने आ रहे हैं, और वो भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, और कोरोना अभी जाएगा भी नहीं लगता है 1-2 साल, तो सबको सेफ्टी का पालन करना चाहिए। अच्छा, भीकाराम स्वीट्स की सबसे ज्यादा स्पेशल मिठाई कौन सी है? देशी घी की बनी मिठाइयाँ हमारी स्पेशलिटी होती हैं। अच्छा, जैसे मिठाइयों के साथ साथ भी आपके दुकान पे काफी चीजें, नमकीन मिलती है और बहुत सारी, तो उसके बारे में थोड़ा। नमकीन में हमारे यहाँ छोटे खस्ते हैं, छोटे समोसे जो 10-10 दिन खराब नहीं होते हैं, और नॉर्मली में खस्ता, समोसा, ये सब रहता है। और जहाँ तक मैंने सुना आपके यहाँ के चिल्ले बड़े फेमस है। हाँ जी, पनीर चिल्ला बनाया जाता है, वो काफी लोग पसंद करते हैं। तो जैसे कि बताया कि इन्होंने जिम्मेदारी और जो आदेश है उसके अनुसार यहाँ पर हर मिठाई के ऊपर लेबल लगा रखा है कि कब तक उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उसके कब तक खाया जा सकता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो एक तरफ, यहाँ पे स्टाफ की तरफ जरा नजर, हर कोई कैप पहने हुए, हर कोई मास्क लगाए हुए, सबके हाथों में ग्लव्स है, और प्रॉपर तरीके से, हाइजीनिक तरीके से यहाँ पर हर चीज का निर्माण हो रहा है, हर मिठाई का निर्माण हो रहा है, और वो मिठाई जो लोगों को पसंद है उसका ये निर्माण ज्यादातर कर रहे हैं। और इनका कहना है कि दिवाली पर कुछ इन्हें विशेष तैयारियां नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इनके पास 40 मिठाइयों का स्टॉक 12 मास यानी 12 महीने लगातार रहता है। तो आप भी दिवाली पर भीखाराम आना ना भूलें। धनतेरस पर शहरवासियों का हजूम बाजारों पर दिख रहा है, बर्तनों की खरीदारी हटिया बाजार में जमकर की जा रही है। सालों का इतिहास अपने में समेटे ये बाजार महंगाई के कारण थोड़ा मायूस भी नजर आया, जहां लोगों ने रस्मों का निर्वाह करते हुए खरीदारी की। धनतेरस एक ऐसा त्योहार है जिसमें गहनों के साथ साथ बर्तनों की भी खरीदारी जोरदार तरीके से हो सकती है, जहां पर हर वर्ग सोना चांदी नहीं खरीद सकता तो वो अपने शुभ के लिए बर्तनों को खरीद लेता है, पीतल के बर्तन हो, और आजकल स्टील के बर्तनों का काफी महत्व है और चलन भी है, तो इसलिए हम कानपुर के प्रसिद्ध स्टील मार्केट में आकर खड़े हुए हैं, जहाँ पर स्टील की ये मार्केट थोक बाजार कहलाती है।
तो चलिए इस बार जान लेते हैं कि इस स्टील मार्केट के क्या कुछ रेट हैं, साथ ही क्या कुछ नया जो है यहाँ मार्केट में आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि दिवाली को देखते हुए सजावट तो पूरी पुख्ता कर ही ली गई है, साथ ही शादी का भी सीजन है तो बर्तनों का विशेष महत्व होता है। शादियों में भी लोग खरीदारी करते हैं बड़े मात्रा में बर्तनों की। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी कि कितने सुंदर प्रकार के यहाँ पे बर्तन लगे हुए हैं, सब चमचमा रहे हैं। और चाहे वो ग्लास हो, कटोरियां हो, या आम तौर पर हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हो, कैसरोल्स हो, बहुत सारे प्रकार जो है वो स्टील में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं कि स्टील का क्या कुछ रेट चल रहा है। भैया इधर आए, ये बताइए कि स्टील का क्या कुछ रेट चल रहा है और किस इस बार दिवाली में धनतेरस पर कितनी खरीदारी चल रही है लोगों की। हरदा स्टील का रेट जो है इस समय जो चल रहा है 200 रुपये से लगा करके 650 रुपये किलो तक स्टील चल रही है। और धनतेरस को लेकर के आप देख ही रही मार्केट में क्या स्थिति है। और बाकी धनतेरस आ रहा है, हम लोगों की पूरी तैयारी है धनतेरस के लिए। हम लोग ये बताइए कि जैसे पिछले साल कोरोना का काफी कहर था, इस बार काफी हद तक चीजें सामान्य है, तो उसको देखते हुए भीड़ जुट रही है मार्केट में। भीड़ जुट रही क्या है कि दीपावली शुरू में पड़ जाने के कारण जो भीड़ है वो इस तरह जुट नहीं पा रही है जिस तरह जुटनी चाहिए थी। अच्छा जी, अच्छा सबसे ज्यादा अगर मांग की बात की जाए तो लोग सबसे ज्यादा भीड़ की किस चीज को लेकर के, ग्लास कटोरी बहुत सारी चीजें, सबसे ज्यादा क्या आपके पास मांगने के लिए आती है? सबसे ज्यादा हमारे पास जो अभी नई डिजाइन की टंकियां चल गई हैं जिनको हम लोग कहते हैं मटका पवाली, तो इसकी मांग बहुत ज्यादा है। और ट्रांसपेरेंट डिब्बे आ गए हैं तो उनकी मांग बहुत ज्यादा है। तो ट्रांसपेरेंट डब्बे दोनों तरह के होते हैं, वो खूब बिक रहे हैं और ये मटका पवाली खूब बिक रही है। तो ये बाजार जो है ये काफी बड़ी बाजार है, आप पीछे भी देख सकते हैं लगातार कितनी सारी दुकानें हैं और वो पूरी स्टील से जगमगा रही हैं, क्योंकि दिवाली है छोटा त्योहार नहीं है, बड़ा त्योहार है हिंदुओं का और हर कोई अपने स्तर से इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ बड़े स्तर पर मनाने की कोशिश करता है। तो स्टील बाजार में भी काफी कुछ हमें देखने को मिला और हम आपको और भी चीजें दिखाएंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि लोग आ रहे हैं वो टंकियों का मांग ज्यादा कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की टंकियों की मांग ज्यादा कर रहे हैं, ग्लास कटोरी की मांग, और स्टील जो है वो कुछ हद तक बेहतर है। साथ ही साथ कोरोना को भी प्रकोप इस साल कम देखा जा रहा है, इसलिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और बाजार में काफी भीड़ भी हमें देखने को मिल रही है। बाजारों में किस तरीके से स्टील बाजारों में देखा जा रहा है? देखिए बाजारें तो गुलजार हैं, कस्टमर का इंतजार है, सभी लोग बैठे हैं। साल भर का हिंदुओं का बड़ा त्योहार है धनतेरस का, लेकिन इस त्यौहार में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो कमर तोड़ महंगाई है ये बहुत बड़ा विषय है। दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और जब लगातार कमर तोड़ महंगाई है तो आम आदमी परेशान है। आमदनी लोगों की घटती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो परेशानी का दौर तो है ही है। और महंगाई के साथ साथ जो ये 2 साल कोरोना काल में चला गया इसका भी तो बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ रहा है। तो कोरोना काल और महंगाई इन दोनों ने आम जनमानस को अस्त और व्यस्त कर दिया है, लेकिन फिर भी जो जिसकी जिम्मेदारी है वो निभा रहा है। व्यापारी कस्टमर का इंतजार कर रहे और कस्टमर कहीं ना कहीं कुछ उसको व्यवस्था बने दो, मार्केटों में निकले, खर्चा करे, खरीदारी करे, तालमेल तो सब लोग जब बैठाएंगे तभी चलेगा। तो लगता है कि अच्छा होना चाहिए, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। दुकानदार सब यहाँ बैठे हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं, और जिस हिसाब से रौनक होनी चाहिए वो रौनक तो नहीं है, जो हर साल रहती है वो रौनक नहीं है। लेकिन अभी समय है, 2-3 दिन 4 दिन का समय है त्योहार में। देखिए ये त्योहार हमारे और आपके जीवन में कितनी सारी खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई इन त्योहारों को फीका जरूर कर रही है। साथ ही 2 वर्षों से कोरोना की मार झेल रहा बाजार भी रफ्तार पकड़ने को बेसब्र है, लेकिन इन सब बातों के बाद भी हम भारतीय अपने त्योहारों की अहमियत को समझते हुए हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आप सभी को भी JMD परिवार की ओर से धनतेरस व दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खेल
इकट्ठे लाइए और मिठाइयों से भरपूर ये त्योहार हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। तो इस पूरे पैकेज में हमने आपको दिखाया कि लोगों के चेहरों पर एक उत्साह है क्योंकि त्योहार है और त्योहार है दीपावली का, और दीपावली एक बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस त्योहार में आप जीएमडी न्यूज के साथ बने रहिए और हम दिवाली की जगमगता आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन करण के साथ सौम्य मिश्रा, जीएमडी न्यूज कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।